और ये मेरा ब्लैक सूट है, ये नया सूट, इसे सिलाया नहीं है अभी, कुछ कुछ अनस्टिच भी है भाई, ख़राब ना हो जाए आयरन किया हुआ। ये दुपट्टा इस गाउन का मैचिंग, मैं ना दुपट्टा मैचिंग ना लो ना तो अच्छा नहीं लगेगा, ये भी सूट मेरे ईद का, ये अब नहीं आएगा मुझे, ये सूट सोच रही मैं दे दूँ समन को, क्योंकि वो पतली है ना उसको हो जाएगा। ये भी सूट बहुत खूबसूरत है, ये वाला, ये भी मैंने पहना, बहुत अच्छा लगता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फ्रॉक है, ये तो कॉटन का है, ये नादिया दीदी थी बाटिक गुजरात का। अरे कपड़ा बहुत है, मगर यही है कि इसे लगता है ना एक दो और पहन लिया तब नहीं पहनेंगे, मेरा तो ऐसा हो जाता है, सोचना पड़ता है। फिर ये भी पहन के जा सकते हैं, जाना चाहे शादी में जाना चाहे तो, ये पिंक है, ये मेरे हस्बैंड पसंद किए थे, ये नायरा, ये मैंने पहना है शादी में 2 बार। इसका दुपट्टा मैचिंग, इसका दुपट्टा बहुत छोटा था इसलिए मैंने अलग से मैचिंग लिया मंडी से, मुझे दुपट्टा छोटा नहीं अच्छा लगता यार, इतने बड़े हो गए फुद्दू सा दुपट्टा दे देता है रेडीमेड, पता नहीं क्यों। कलेक्शन सूट के मस्त हैं, थैंक यू शमा, थैंक यू, इसलिए इसमें मैं रख दे रही हूँ ये, और उस वाले में अलग है, इसलिए मैं सोची मैं ये रेड पहन के जाऊँ, ये दुपट्टा को आयरन करूँगी जल तो नहीं जाएगा, मुझे बहुत ये लग रहा है। मैंने बोला था भैया, बोले नहीं इसको धोने का नहीं था, दुपट्टा क्या ज़रूरत धोने का, जबकि कुछ लगा भी नहीं था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैंने धो दिया ऐसे कि सोचा कि अरे चलो बहुत, मतलब बहुत ये हल्का है, देख रही हो दम, ये प्योर नहीं था शिफॉन, दम प्योर है ये, और मेरी यही गलती, मैं पेपर रख के आयरन करके देखूंगी वही, क्योंकि अब दुपट्टा इसके लिए अलग से मुझे लेना पड़ेगा, मंडी मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा रेड डार्क मैंने खोजा था नहीं मिला था, ऑर्डर करके डाई कराना पड़ेगा। ये सूट बहुत प्यारा है, मैं इसको दिखाती हूँ एक मिनट, पर ही मुझे आएगा ना, उस टाइम तो मैंने ढिलाई सिलाया था, और इसके नीचे मैंने फ्लैपर सिलवाया था प्लाजो जैसा, एकदम फैला फैला, आयरन तो कराना पड़ेगा मुझे, फ्लैपर आयरन करना पड़ेगा, टूट गया आयरन इसका, वही होता है ना नया सूट आयरन टूट, ये वाला, ये बहुत खूबसूरत सूट है, ये मुझे भाई ने ईद में दिलाया था, इसका स्लीव में देखो, मेन तो इसका स्लीव है भयानक, ये आ जाएगा मुझे पक्का, मैं समझ गई, थोड़ा फिट होगा बट आ जाएगा, कि मैंने ढीला, देखो कैसे बुड़ गया ये पूरा मेरा संवारण करना पड़ेगा, ये इंडो वेस्टर्न है, जब मैंने उनसे दुकान, उनकी दुकान में बहुत अच्छा सूट मिल जाता है, एक से एक कलेक्शन होता है, तुम लोग जब भी जाओगे ना बट लॉस तो वहाँ जाना भैया की दुकान में, अब बोलोगी ना कि मैं शमा की फ्रेंड हूँ या कुछ भी, तो क्या पता तुम लोगों को कम में मिल जाए, बोल देना तो मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत मानते भैया छोटी बहन की तरह, इसलिए ये सूट बहुत ही खूबसूरत है, और ये काफ़ी महंगा भी था बट उन्होंने कुछ कॉन्सेशन कर दिया था। कलेक्शन सूट के मस्त हैं, अच्छा ठीक है, दिखा दिया, AMR फैशन कॉस्मो प्लाजा अंडर बेसमेंट के जाना नीचे, और AMR फैशन भी बोलेगी ना बता देगा कोई भी, कॉस्मो प्लाजा मतलब बटला हाउस एंटर करने के बाद ही उनका दुकान आ जाता है, मैंने कल गई थी ना, मैं कल वहीं लेकर के, तो कुछ आयरन करना पड़ेगा तभी सही लगेगा पहने में, है ना, इस स्लीव में तो आयरन करने की जरूरत नहीं, कि स्लीव तो ऑलरेडी सही है, पूरा स्लीव में वर्क है, और इसके आगे वाला भी ना वर्क, ये बहुत खूबसूरत है ये वाला, मेरे भाई को एक नज़र में पसंद आ गया, तो भाई बोला ये ले लो ये तुमको अच्छा लगा, इसमें 3 कलर था, पिंक और थोड़ा सा क्रीम गोल्डन भी था, मगर रेड लिया मैंने, ये बहुत खूबसूरत लगेगा पहनने पे। कुछ ग्लव शॉप बोल रही थी अच्छा कपड़ा लेकर आई हो, एकदम बस सब अच्छा ही है, वो अलग बात है कि मैं थोड़ा सा रहती रहती नहीं आऊंगा, कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है मेरे पास, देखो ये दूसरा खजाना, ये है मेरा, ये मेरा शादी का गरारा है, ये भी अच्छा फैब्रिक मुझे दिया था छोटे भी ने, 2-3 गरारा दिया था रेडीमेड, इसे मैंने 1-2 बार पहना, ये भी मुझे टाइट हो गया होगा, ये भी लगता है बहन को देना पड़ेगा, और ये वाला भी गरारा देखा होगा, मैं वीडियो डाला है, ये सारा है साड़ी का, ये बहुत खूबसूरत, ये मैंने लिया था खान मार्केट से, ये गरारा भी बहुत प्यारा है।